अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो है हमारे घर में इफ्तार पार्टी है जो कि एहसन के फ्रेंड्स ने एहसन ने अपने फ्रेंड्स को दी है, जिसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आपके फेवरेट स्टार्स भी होंगे उसमें, जिनका आप कंटेंट पसंद करते हैं। तो उनके लिए आज कुछ चीज़ें मैंने अपने हाथों से बनाई हैं, कुछ मदर ने बनाई हैं। तो स्टे ट्यून मेरे साथ रहिए। ये आपका फेवरेट केक है? फिर क्या करने जा रहे हैं? बता दें। नहीं, मैंने खोला हुआ है। क्या है, क्या इसमें? ये इसकी तस्वीर ले। जिंदगी में पहली बार नहीं कुछ चला। या अल्लाह, अच्छा ये बोलना था आपने। तो अब आ गया है नमाज़ का टाइम। अब हम जा रहे हैं मगरिब की नमाज़ पढ़ने। सो आफ्टर मगरिब की नमाज़ हमने खाने में बिरयानी रखी थी, तो यहाँ सब बैठ के बिरयानी खा रहे हैं, बिरयानी इंजॉय कर रहे हैं। मिनाहिल कम खाओ, कुछ भी नहीं खाना। कम कम खाओ, बहुत खाती है भाई मिनाहिल, और सबसे ज़्यादा खाने वाला हनी है। ये देखें, मैं तो खाती नहीं हूँ, मेरी प्लेट नहीं है। ये मेरी प्लेट नहीं है, आप ही की है। ऐसे नहीं बैठे हुए कैसे? वी आर हियर फॉर द वीडियो। मिनाहिल और मैं वीडियो बनाने जा रहे हैं। मैं उसकी रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी यूट्यूब चैनल पे कॉपीराइट क्लेम है। आर यू रेडी मिनाहिल फॉर द वीडियो? ओके। सो मिनाहिल और हारिस, कुछ सवाल जवाब है मुझे आप लोगों से करने। पहले मुझे बताएं, आप मिनाहिल को इस ईद पे कितनी ईदी दे रहे हैं? मिनाहिल आप क्या दे रही हैं? आप क्या दे रही हैं हारिस को? मैं क्या दे रही हूँ? मैं तो छोटी हूँ। तो इस ईद पे कोई गिफ्ट करेंगे? कुछ आप लोग गिफ्ट करते हैं एक दूसरे को ईद पे कि भाई ये मेरी तरफ से, ये आपने पहनना है लाजमी? तो कुछ नहीं करते, बस पैसे भी। अच्छा ईदी आती है? अच्छा पैसे देते हैं एनवेलप में डाल के? ईदी आती है पैसे? ईदी अब तो नहीं आती, पहले छोटे होते थे। नहीं, मिनाहिल के घर से ईदी आती है। अच्छा नहीं नहीं, आपके घर से ईदी आती है? नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, दो तीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर वन, फर्स्ट डेट पे मिनाहिल ने कौन से कलर का ड्रेस पहना हुआ था? जब पहली दफा मिली थी। चलिए, जब पहली दफा मिली थी तो मिनाहिल ने कौन से कलर का आउटफिट पहना हुआ था? इसने ब्लैक कलर की जीन्स पहनी थी और ब्लू कलर का टॉप। वाह वाह, याद है, मिनाहिल सही कह रहे हैं। हाँ जी। हारिस से क्या पहना हुआ था? शलवार कमीज पहनी थी। शलवार कमीज में मिलने की कलर थी डार्क ब्लू। सबसे पहले ये किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? किसी ने नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा। अपने घर जाना है। कहानी चल रही है, किसी ने नहीं एक दूसरे को कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, थोड़ा सा लाइक करता हूँ? अभी तक ऐसा कुछ। आपने कभी कहा मैं आपको थोड़ा सा लाइक करती हूँ? आप सही हैं बस। मैं तो इनकी फैन थी, इन्होंने मुझे बताया मैं इनकी फैन। अच्छा एक और क्वेश्चन, मिले कहाँ, कैसे मिले? हाथ ना मार देना उसको। आपने प्रोफाइल देखी थी मिनाहिल की? तो टिकटॉक पे हमारा, मैंने इसने मुझे फॉलो किया था पहले, वर्किंग चल रही थी, इसको फॉलो किया टिकटॉक पर, वर्किंग चल रही थी। इसने मुझे मैसेज, मतलब मैंने सब कुछ किया था, सारा कुछ मैंने किया था। फिर नहीं, इसने मैसेज किया था, मैंने नंबर लेना था, वो ना नंबर जो टिकटॉक पे एक्सचेंज नहीं होता ना। हां हां, तो वो ये मुझे नंबर भेजे, मुझे आए ना, मैंने कहा शायद भेजना नहीं चाह रही, फिर मैं भेजूं तो शायद इसको भी ना जाए। तो वो सीन इस तरह का हुआ ना, नंबर ये भी भेज रही थी, मैं भी भेज रहा था, लेकिन वो जाए ना, टिकटॉक पे नंबर नहीं जाता ना। नहीं। तो फिर वो इस तरह भेजा 03 ऐसे ऐसे करके। ओके। फिर नंबर आया। अच्छा कॉल नंबर था इंस्टा, इंस्टा था ही। इंस्टा प्राइवेट था इंस्टा मेरा, तो मैंने फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज, कॉल पे बात हुई थी पहले या मैसेज पे? चैट पे। हाय कैसी हो? एक महीने तो मैसेज पे हुई थी। हाय कैसी हो? हारिस की तरह से मैंने हाय कैसी हो ना। आप इंटरव्यू लो फुफो ना मनो। ओके लास्ट क्वेश्चन क्या है? नहीं ये बहुत बुरा क्वेश्चन है, पर्सनल हो जाएगा।
What are five things you do not think you could live without? हाँ, कौन सी ऐसी पांच चीजें हैं मुझे बताएं जिनके बगैर आपको लगता है आप रह ही नहीं सकते. पहले हारिस आप बताएं, फिर मिनाइल आप बताएं. रह ही नहीं सकता मैं, पॉसिबल नहीं. कपड़ों के बगैर, मोबाइल के बगैर, वॉच के बगैर, जिम के बगैर, खाने के बगैर, बस और हो गई प्यार के मिनाहिल का नाम. मैं तो यार, मैं अब मिनाहिल का नाम आएगा, अब मिनाहिल का नाम आएगा. प्यार के बगैर बोला, प्यार कौन है? प्यार कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. प्यार में देखने बड़ी खूबसूरती से जवाब दिया. फैमिली भी आ गई, घर वाले भी आ गए, अहमद आ गए कवर करने के लिए. मिनाहिल आप बता दें पांच चीजों, कौन सी ऐसी पांच चीजें? यार मदिया भाभी तो फूफो बन गई है यार. क्या तू ट्रेनिंग देता है रोज? एक से दो जो की उसके बाद ऐसे हो गए. पांच चीजें सिंपल है ना, एच ए आर आई एस. हमारे घर आए और मैंने आपसे कुछ सवाल जवाब किए. गाइज मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलते हैं, अल्लाह हाफिज़.